नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रायिकता के बारे में। देखिए, प्रायिकता का मतलब से तो हम लगभग सभी वाकिफ है, लेकिन इसको प्रायिकता नाम दिया है इससे वाकिफ नहीं है। प्रायिकता से मतलब होता है किसी घटना के घटने की संभावनाएं कितनी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक सिक्का दिखाता हूँ, ये सिक्का है। इस सिक्के को अगर हम ऊपर की तरफ इस प्रकार से उछालते हैं तो इसमें दो होते हैं, एक तो हेड और एक टेल। इसमें हेड और टेल आने की जो संभावनाएं हैं वो निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं है इसमें से हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों के बराबर बराबर आने की संभावनाएं होती है। इसी को संप्रायिक यानी समान घटना घटने की हेड या टेल आने की संभावना होती है, उसको यादृच्छिक स्वतंत्र रूप से या अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, जिसमें एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। इसमें हेड यानी आपका चित्त, टेल यानी आपका पट, ये दोनों संभावनाएं आने की। इससे हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ घटनाएं हमें जान लेनी चाहिए। जैसे कि यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है कोई भी घटना, जैसे कि मैं ये पेन है मेरे पास, ये काला है रंग का, लिखूंगा तो काला ही अक्षर दिखाई देगा, तो ये घटना निश्चित है, संभव है, लेकिन स्वतंत्र रूप से घटना घटती है, उसके परिणाम अपने पास निश्चित है कि इतने परिणाम आ सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा आता है ये निश्चित नहीं होता है, उसको यादृच्छिक घटना के नाम से, यादृच्छिक प्रयोग के नाम से जानते हैं। एक होती है अनुकूल घटनाएं, यानी किसी परिस्थिति के अनुकूल घटनाएं होती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अपना एक होता है आपका सरल घटना, भी घटना होती है उसमें से एक घटना घटती है, जिससे उसमें से हम सिक्का फेंकते हैं या पासा फेंकते हैं, पासे में एक से लेकर छह अंक होते हैं, उसको फेंकने पर हमारे पास एक अंक आने की प्रायिकता होती है, वो सरल घटना है। संप्रायिक घटनाएं, संप्रायिक का मतलब है किसी भी घटना में जो भी घटनाएं घटती है उनके सबके समान रूप से घटने की संभावनाएं होती है। जैसे आप ताश की एक पत्ती, ताश में अपने के 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कोई सा भी एक पत्ता आने की प्रायिकता समान है। सिक्का उछालेंगे उसमें हेड या टेल आने की, चित या पट आने की संभावनाएं समान है। पासा फेंका, पासे को फेंकने के बाद अपने पास कोई सा भी एक अंक आने की संभावनाएं जो हो समान है, आप उस पर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार पाँच छः, जो भी, वो सारी की सारी घटनाएं क्या है, संप्रायिक घटनाएं कहलाती है। अब हम चलते हैं कि प्रायिकता का जो सूत्र किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखो, प्रायिकता को हम पी से लिखते हैं, ये पी है, और कोई भी इवेंट्स, कोई भी घटना घटती है उसके लिए हम ई से लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर बटे अनुपात है अपना कुल संभावित परिणाम, घटना घटने में कुल कितने परिणाम आ सकते हैं उनके बारे में। ऊपर लिखा है घटना ई के अनुकूल परिणाम, मतलब एक पासा हमने फेंका, उसमें छह अंक होते हैं एक से लेकर छह पर, उसमें से हमें जैसे सम संख्या आने की प्रायिकता, दो चार छह आपके सम अंक है, तो सम अंक आने की प्रायिकता आपकी क्या, ये ई के अनुकूल हो जाएगी, और कुल परिणाम में संभावित में आपके पास छह हो जाएगा। ये तो हो गई कोई भी घटना घटने की संभावना है। ये घटना घटने की प्रायिकता इसको बोलते हैं। अब देखो, कोई भी चीज होती है जैसे कि कुछ घटना नहीं घटती उसके लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका यह है पी ई बार, यानी यह है घटना नहीं
घटने की प्रायिकता, आपकी घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम, ये घटने की प्रायिकता है, ये नहीं घटने की प्रायिकता है, दोनों का योग आपका हमेशा पी पी ई बार बराबर एक होता है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा जीरो पी ई लेस और इक्वल टू वन, यानी कि जो घटना प्रायिकता जो होगी सबकी, कोई सी भी घटना ले लें, ले हेड या टेल के बारे में या ताश की गड्डी के बारे में ले, किसी में भी हम अगर लेते हैं तो या उसकी जो प्रायिकता है जीरो और एक के मध्य ही आएगी। अब हम चलते हैं सवालों के ऊपर। अपना जो 28 प्रश्नावली का पहला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं उसके बारे में, कुल परिणाम बराबर, देखो पासा जो होता है, पासे पे एक से लेकर छह तक अंक होते हैं और ये छह लिखा और उसको एक बार फेंका है, उसकी घात हम एक लिख देते हैं, कुल परिणाम आपके पास छह आ जाते हैं। अब इसमें से छह परिणाम का मतलब एक दो तीन चार पांच छह, कुल परिणाम हो गए। अब इसमें से कुल परिणाम अपने पास छह हो गए। अब अपने इसने कहा कि चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अब चार से बड़ा कौन कौन सा देखिए, आपका ये पांच और छह, ये दो अंक है, अंक दो है, गिनती करेंगे तो कुल अनुकूल परिणाम परिणाम जो आपके पास है वो दो आएंगे, पांच और छह दो हो गए अपने पास, दो आ गए। अब हम इसकी प्रायिकता याद कर लेते हैं, पीई बराबर ई परिणाम बटा कुल परिणाम, आपका कुल परिणाम जो है छह है, छह के बाद अपना संभावित ई के अनुकूल यानी चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपकी दो है, ये कट जाएंगे आपके पास दो बटा तीन हो गया, ये कटेंगे दो एकम दो, दो तीन छह, इस प्रकार से पीई बराबर एक बटा तीन आपकी प्रायिकता हो गई। दूसरा सवाल कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम ज्ञात कर लेते हैं चित्त क्या होता है, जो हेड और टेल इसको चित्त कहते हैं और इसको पट कहते हैं। अब कुल परिणाम कितने आने चाहिए, दो एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम जो है आपके बराबर दो, यानी हेड और टेल एक बार एक सिक्का है उसको दो बार उछालते हैं तो उसमें एक बार में दो परिणाम आते हैं तो दो की घात दो लिखेंगे तो कुल अपने पास परिणाम चार आ गए। अब हम इसके परिणाम याद करते हैं कि दोनों बार चित आने की, यानी कि हम पहले देखिए कुल परिणाम एक सिक्का, सिक्के में दो बार आते हेड या टेल दो बार आते हैं, दो बार उछला गया है दो की घात दो हो गया बराबर चार परिणाम हो गए। अब अपना चार परिणाम क्या है, पहले सिक्के को उछला हेड आया, फिर दूसरे बार उछला वापस हेड आ गया, इस प्रकार से हेड टेल चित चित, इस प्रकार से कुल परिणाम आपके पास चार हो गए। अब इसने कहा कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता हम ज्ञात करते, देखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपके पास दोनों बार चित आनी चाहिए, यानी कि एक परिणाम है आपके पास तो हम बराबर एक लिख देते हैं। अब प्रायिकता याद करनी है, ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम,
या कुल संभावित परिणाम बराबर आपके पास कुल कितने हैं, चार है और इसके संभावित कितना, एक बटा एक लिख दिया। अपना तीसरा सवाल है, एक से 17 तक की प्राकृत संख्या में से एक संख्या का यादृच्छिक ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखिए, इसने सबसे पहले कहा यादृच्छिक चयन, इसका मतलब होता है निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव से, जैसे थैले में संख्या पड़ी हुई है उसमें बिना देखे एक संख्या निकालनी है, उसको बोलते हैं यादृच्छिक। संख्या अपने पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अब इसने कहा है कि इनमें से कुल इसमें से हमें कि चयन करके वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, याद कर लेते हैं अपनी अभाज्य, तीन पांच सात ग्यारह तेरह, एक दो तीन चार पांच छह सात। पहले तो ये बात होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कोई भी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, इस रूप में भी हम समझ सकते हैं, वो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। दो सम संख्या है लेकिन एकमात्र अभाज्य संख्या है, बाकी सारी विषम संख्या ही है, ये सारी सारी अभाज्य संख्या हो गई और कुल सात हो गई। कितने हैं ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये कुल परिणाम आपके पास 17 संख्या है तो 17 लिख दी, ये एक से लेके 17 तक संख्या 17, इसमें से अभाज्य संख्या आपके पास एक दो तीन चार पांच छह सात, ये यहां पे सात होगी। और इस प्रकार अपनी प्रायिकता जो है 7/17 हो गई। अब अपने पास देखिए, एक सिक्के के लगातार तीन उछालों में एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एक के बाद चित आ गई फिर पट आनी चाहिए, फिर चित आनी चाहिए, पट आ गई फिर चित आनी चाहिए, फिर पट आनी चाहिए, इस प्रकार से। पहले तो हम लिखते हैं कुल परिणाम कितने आएंगे, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए, सिक्का है, एक सिक्के को उछालते तो दो परिणाम आते हैं, चित या पट, ये दो लिखा। अब कितनी बार उछाला जा रहा है, यानी कि तीन उछाल है, तो हम यहां पे इसकी घात तीन लिखते हैं, आठ परिणाम आते हैं, संभावित परिणाम आपके आठ हो गए। अब आठ परिणाम किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे सिक्का उछाला पहली बार हेड आया, पट 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 आ गए, फिर आपका ये, फिर आपका ये, और फिर आपका इस प्रकार, देखिए एक दो तीन चार पांच, कुल आठ परिणाम हो गए। कुल परिणाम कितने हो गए, ये आठ, और ये भी कुल आठ संख्या आ गई। देखिए इसने लिखा है एकांतरित चित या पट, यानी एक के बाद एक चिता दीजिए, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो अपने पास परिणाम देखिए, एक तो ये है आपका चिताई, फिर पटाया चिताई, पटाया चिताई पटाया, इस प्रकार से अपने पास एक और दो अनुकूल परिणाम हो गए। याद करते हैं पी ई, यानी इस घटना के घटने की संभावना या प्रायिकता, तो कुल परिणाम बटा ई के बराबर, आपके पास कुल परिणाम तो आपके पास आठ है, ऊपर कुल कितना है, कितने की संभावना है, प्रायिकता दो है, अब ये कट जाएंगे, दो एकम दो तो आठ बराबर एक बटा चार, यानी पी ई बराबर एक बटा चार हो गई। हाँ तो साथियों, अपना जो अगला प्रश्न पांचवा, एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार
आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न आपको असमंजस में डालने के लिए, लीप वर्ष के लिए पूछा, इसने एलीप पूछा, एक एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 होता है, इसने एलीप कहा है इसलिए हम इसको 365 लिखेंगे। इसको और बराबर लिखते हैं तो इसमें 52 सप्ताह प्लस एक दिन, 52 सप्ताह बराबर होते हैं और 364 दिन में 52 सप्ताह रहता है, एक दिन बचता है। अब इस एक दिन की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। अब एक दिन में अपने पास जो देखिए अपने पास दिन होते हैं सोमवार, शनिवार, रविवार, ये आपके पास दिन है। अब इसमें से इसने कहा कि केवल 52 चाहिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो कुल परिणाम तो अपने पास हो गया 8। अब इसमें से हमारे पास क्या है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, यानी कि देखिए इसमें से आपके पास रविवार नहीं होना चाहिए क्योंकि 52 रविवार ही है, उसे ज्यादा रविवार नहीं हो सकते हैं। तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन है, उसमें से एक रविवार को निकाल लेते हैं तो अनुकूल परिणाम आपके पास 6 आ जाते हैं। और इस प्रकार पीई हम ज्ञात करते हैं तो कुल परिणाम बटे में लिखेंगे 7, उसमें से अनुकूल परिणाम 6। इस प्रकार से हमारी प्रायिकता जो 52 लीप वर्ष में 52 रविवार आने की है वो 6/7 हो गई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अपना यदि पी ए बराबर 0.65 है, पी ए ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी इसी वीडियो में हम बात कर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पी ए प्लस पी ए नहीं बराबर 1 होता है, ठीक है ना। ये किसी एक घटना की प्रायिकता है, ये एक घटना नहीं घटने की प्रायिकता है। अब इन दोनों में इसको एक चीज को उधर पक्षांतर कर देता हूं तो अपने पास 1 माइनस पी ए हो गया। अब पी ए बराबर अपने को क्या देगा, देखिए 0.65। अब पी ए नहीं घटने की प्रायिकता, यानी एक घटना नहीं घटने की प्रायिकता जो ये है आपका 1 - 0.65, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, इधर देखिए 0 1 में से आगे 0 लगा के 1 की संख्या, आगे 10 लगा के 0 लगाएंगे और यहां हम इसको घटाते हैं। जिस प्रकार से यहां से उधार लिया 10 में से 5 गया तो 5, यहां से फिर उधार लेंगे 10 में एक उधार दे दिया 9 में से 3 गया 6 गया तो ये 3 10 में लग गया, एक उधार दे दिया 0 बचा 0। इस प्रकार से कोई भी एक घटना नहीं घटने की प्रायिकता जो आपके पास ये 0.35 हो गई। दो सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्का जो उछाला कुल परिणाम कितने होंगे, अपने कुल परिणाम जो है सिक्के आपके पास 2 है, एक में 2 परिणाम आते हैं, इसकी गाल 2 लगा दे, 2 बार उछाल दे, 2 सिक्के हैं तो इसके 2 गाल जाएगी और कुल परिणाम अपने पास 4 हो जाएगी। तो परिणाम क्या होंगे देखिए इस प्रकार से, ये आपके परिणाम है 4, यानी पहले पे है दूसरे पे है, पहले पे दूसरे पे टेल, दोनों पे टेल टेल, पहले पे टेल, फिर हेड आ गया। इस प्रकार कुल परिणाम अपने पास
चार आ गए। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम जो हम ज्ञात करते हैं, तो इस प्रकार अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, ये आपका चित है और ये आपका पट है। इसमें आपके देखिए अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, तो एक यहां आ रहा, दो यहां आ रहा, ये तीन, कितनी जगह? तीन जगह आ गया अपना, यहां पे तीन हो गया। इस प्रकार प्रायिकता हम याद करते हैं, लिखते हैं, तो अपने पास कुल परिणाम ई के अनुकूल परिणाम बराबर अपने पास कुल चार है, इसमें से तीन आ गए, इस प्रकार अपने पास पीई तीन बटा चार हो गई। अब अपना अगला प्रश्न है कि एक पासे को दो बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग आपका नौ है और तेरह है। अब हम जिसे कुल परिणाम ज्ञात करते हैं, कुल परिणाम कितने होंगे? पासा है तो छह संभावनाएं पहले से है, ये छह है, लेकिन इसको दो बार उछला गया है तो यहां हम घात दो लगा देते हैं, इसका मतलब छह इंटू छह बराबर छत्तीस संभावनाएं, छत्तीस प्रायिकताएं हैं, वो मैं लिखता हूं इस प्रकार से। अपने कुल परिणाम छत्तीस है, देखो इनके मतलब पहले पे एक आया, दूसरे पे एक आया, पहले पे एक आया, दूसरे पे दो, इस प्रकार से अपने पास ये छत्तीस परिणाम है। अब छत्तीस के, अब इसके अनुकूल देखना अपने को, तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो है आपके, इसने कहा योग आपके पास नौ होना चाहिए, तो नौ लिखते हैं अपन, तो पहले पे तीन, दूसरे पे छह, इस प्रकार से अपने पास देखिए एक दो तीन और चार परिणाम हो गए। कुल परिणाम कितना हो गए? ये आपके पास चार है, तो PE आपका पहला सवाल जो है, योग नौ होना चाहिए, उसमें कुल परिणाम छत्तीस है, छत्तीस में से अपने पास कुल योग जिसमें चार संख्या है, जिसमें योग आपका नौ आता है, तीन छह नौ, पांच चार नौ और छ तीन नौ, यहां अपने पास चार हो जाएगा, चार बेटा छत्तीस काट देंगे, चार एकम चार ये तीस, इस प्रकार से आपका एक बटा नौ हो गया। उसके बाद देखिए अपना अगला जो प्रश्न इसी में है कि योग आपका तेरह होना चाहिए। अपना जो दूसरा सवाल है वो इसमें पी हमेशा छत्तीस घटना है, उसमें से जीरो घटना है, यानी इसका मान जीरो होगा, क्योंकि एक पांचे पे छह अंक आ सकते हैं, दूसरी बार भी छह अंक आ सकते हैं, छह और छह को जोड़ते बारह आते हैं, तेरह कभी नहीं आते हैं, ये असंभावी है, असंभावित घटना है, इसलिए अनुकूल परिणाम जीरो है, तो तेरह आने की प्रायिकता आपके पास क्या हुई? जीरो। साथ साथ अपना जो नवा सवाल है कि थैले में पांच लाल गेंद और तीन सफेद गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता की गेंद सफेद हो? देखो अपने पास लाल गेंद दे रखी है, लाल गेंद बराबर पांच, सफेद गेंद तीन, कुल थैले में कुल गेंदे बराबर पांच प्लस तीन बराबर आठ, यानी कुल परिणाम अपने पास आठ हो गए। अनुकूल परिणाम हमें जैसे पहला कहता है कि सफेद हो, तो अनुकूल परिणाम अपना सफेद का मतलब तीन सफेद है, ये आपके पास तीन हो गया, इस प्रकार सफेद होने की प्रायिकता पीई बराबर
कुल आठ में से आपकी तीन हो गई। इस प्रकार गेंद सफेद होने की प्रायिकता ये हो गई। अब सफेद की प्रायिकता का मतलब अपने पास पीई, अपने पास देखिए कुल परिणाम तो आठ ही है, लेकिन अब इसमें दो प्रकार की गेंदें ही है, एक तो लाल है एक सफेद। सफेद वाला हमने यहां लिख दिया, लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, सफेद नहीं होने की प्रायिकता, सॉरी। तो ये आपके पास पांच आ गया, ये आपकी सफेद नहीं होने की प्रायिकता पांच बटा चार। इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि पीई वन माइनस पीई वन माइनस तीन बटा आठ, लघुत्तम देंगे आठ, इसके नीचे एक मान लेते हैं, ये हो गया आपके पास आठ माइनस तीन बराबर आपके पांच, यानी कि सफेद नहीं होने की प्रायिकता भी ये होगी। अगला प्रश्न अपना है, किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा है, और यादृच्छिक रूप से इसमें से एक पेन निकाला जाता है, तो अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए खराब पेन अपने पास है 12, अच्छे पेन है अपने पास 132, अपने पास कुल पेन हो गए बराबर 144, यानी कि कुल परिणाम अपने पास 144 है। अब अच्छे पेन की प्रायिकता चाहिए अपने को, की 144 में से 132 बार जो अच्छे पेन निकलेंगे, कब निकलेंगे ये नहीं पता, तो इसकी प्रायिकता अपने पास रहेगी पीई बराबर कुल परिणाम बटा, जिसे कुल परिणाम है 144 में अच्छे परिणाम यानी अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन आने की घटना कितनी बार घटती है 132 बार। अब हम इसको काट लेते हैं, दो से काटते हैं, 7 × 14 2 × 4 6 और 6, फिर हम इसको 6 से काटते हैं, 6 × 6 6 × 6 इसको 6 से काटते हैं, 6 × 6 6 × 12 इस प्रकार अपने पास 11/12 यानी पीई जो है आपका 11/12 आपकी प्रायिकता हो गई। आप अपना जो अंतिम सवाल है 11 वो ताश के ऊपर है, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, रंग दो होते हैं, एक लाल होता है एक काला होता है, चार प्रकार के पत्ते होते हैं, चीड़ी का पत्ता, हुकम का पत्ता, लाल पान का पत्ता और ईंट का पत्ता। लाल पान और ईंट दोनों लाल के रंग के होते हैं, चीड़ी और हुकम दोनों ही काले रंग के होते हैं। इसमें चार इक्के होते हैं, चार बेगम होती है, चार गुलाम होते हैं, चार बादशाह होते हैं। इसमें कुल फेस कार्ड एक रंग में तीन होते हैं, इस प्रकार से 12 फेस कार्ड, जिसमें फेस कार्ड का मतलब होता है जिसमें चेहरा छपा हुआ, गुलाम बेगम बादशाह, इस प्रकार चार फेस कार्ड हो गए। अब हम सवाल पे आते हैं कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता क्या होती है। अब इसमें सीधा आप क्या करेंगे, पीई लिखेंगे बराबर कुल पत्ते कितने अपने पास ताश में 52 है, बटे में हमेशा 52 लिखना है, ठीक है ना। अब लाल रंग का गुलाम, मैंने बताया कि रंग केवल दो ही होते हैं, एक तो लाल होता है एक काला होता है, गुलाम लाल रंग के पान का और ईंट के दो गुलाम हो गए आपके पास, यहाँ दो आ जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे 2 × 2 और ये 2 × 4 ये 6 बराबर 1/26 इसकी प्रायिकता हो गई। दूसरा लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता पीई लिखेंगे, बटाई में अपने पास 52 आएगा, लाल रंग का पत्ता यानी कि आपका पान और ईंट दोनों ही लाल लाल रंग के होते हैं और दोनों 13-13 होते हैं, यानी कि 26 पत्ते हो गए, 13 + 13 तो अपने पास कट गया 1/2 हो गया, 13 × 13 13 × 26 13 × 54
दो एकम दो, दो दूनी चार, इस प्रकार से पी लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो गई, एक बटा दो हो गई। अब आपका पान का इक्का होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो आप 52 लिखेंगे बटे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दे, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आगे चलते सवाल पे, पान का इक्का, पान का इक्का एक ही होता है, हमारे पास यहाँ क्या लिखना है, अनुकूल परिणाम एक आएगा और अपनी प्रायिकता एक बटा 52 हो गई। अगला सवाल जो है, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, कुल पत्ते अपने पास 52 है, ईंट की बेगम एक होती है, अपने पास ये भी हो जाएगा एक बटा 52 हो गया। अब हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, यहां लिखते हैं इसकी प्रायिकता, पी एन घटना घटने की प्रायिकता, कुल 52 पत्ते हैं बटा 52 लिख दिया। हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते आपके पास कितने होते हैं, 13 होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, लाल के भी 13, हुक्म के भी 13, चिड़ी के भी 13 और ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। यहां मैं 13 लिख देता हूं, अब आकार से 13 एकम 13, 13 चौक 52, इस प्रकार से 1/4 यानी पीई 1/4 आपका आंसर हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।